हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में। तो चलिए आज हम जो है घास को अलग सी जगह में जा रहे हैं। वहाँ से ना व्यू बहुत सुंदर लगता है, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और रोशनी दीदी जा रही है साथ में और शायद दीदी भी आए पीछे से, तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए हम अपने गाँव के इस तरफ आ रहे हैं, मंदिर ये देखिए नीचे मंदिर के इस साइड, और आगे जा रही है दीदी। और गाइस यहाँ से ना सामने का व्यू बहुत सुंदर लग रहा है, पहाड़ हरे भरे और साथ में धान के खेत बहुत सुंदर दिख रहे हैं, और हमारा मंदिर और ये हमारा गांव। धू नज्म नज्म सामे हो छुपे ठहरी जा, तू ख्वाब ख्वाब सा मेरे आँखों में जगले, रो 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 रो। अभी हमें जाना है वहाँ, उससे भी आगे, तो भी हम बहुत ये देखिए गाइस थोड़े दिन पहले यहाँ पे जो है बादल फटा था, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे पत्थर निकले हुए हैं, और हमारी सड़क भी पूरी ब्लॉक हो गई थी इसकी वजह से। नीचे तो अभी हम पहुंच गए बॉडी के पास, यहाँ पे हम पानी वगैरह भरेंगे और फिर चलेंगे घास को। दीदी भर रही है, देखिए अभी हम पहुंच गए हैं घास के पास, और यहाँ से ना जोगिंदर नगर का व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है। थोड़ी सी धुंध पड़ी हुई है, जोगिंदर नगर शहर। फ्रेंड अभी हम रोशनी दीदी के साथ आ गए हैं, और मेरी जेठानी भी आ रही है पीछे अभी, तो चढ़ूंगी यहाँ से ऊपर को और यहाँ से बताती हूँ आप लोगों को हमारा ऊपर जैसे। सो फ्रेंड यहाँ पे पहुँच गई मैं, यहाँ पे है मेरा घास और दीदी भी आ रही है, दीदी के साथ ही काटूंगी मैं, साथ में मतलब हम दोनों का एक साथ ही। तो यहाँ से बहुत ही प्यारा अल्टीमेट व्यू दिख रहा है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए
आगे से इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बैक कैमरे से बहुत सुंदर दिख रहा है। ये देखिए हमारे धान से भरे हुए खेत और आगे सामने का व्यू बहुत सुंदर है, और हमारे घर उस तरफ है। ये घर दिख रहा है इससे भी आगे, हम आए इस रास्ते से इस घर से होके। सो फ्रेंड देखिए मैं आ गई हूँ और मैंने 15 फूले डाले हैं और सासू दीदी भी सब आ रहे हैं पीछे से, दिखाती हूँ मैं कैमरे से आप लोगों को। और धूप बहुत है और मेरे तो आज फिर से सिर में दर्द हो रही है। ये आ रहे हैं देखिए पीछे से सबसे आगे सासू दीदी फिर दीदी फिर दीदी। सो देखिए गाइस बहुत बुरी हालत हो गई है और पसीना साथ में स्किन में जो है घास के जो फ्लावर्स हुए वो भी लग गए हैं और बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो रहे हैं, मतलब सिर फटा जा रहा है क्योंकि काफ़ी दूर से आ गए हम वहाँ से बहुत दूर से आए। तो दीदी वगैरह भी आए नहीं है, मैं आगे आगे आ गई हूँ। और कुंबर और कूरी देखिए कपड़ों में कैसे फंस गई, कूरी बोलते हैं हम ये ना, बहुत ही मुश्किल से निकालनी पड़ती है और बहुत दूर है अभी तो घर, अभी 3-4 जगह बैठना पड़ेगा ऐसे तब जाके पहुँचेंगे। सो गाइस आगे सासू वगैरह आगे चलते हैं अब घर।